ये नाला भी जो है काफ़ी, एक तरह से कहा जाएगा कि ये नाला नहीं है बल्कि गांव देहात का जो एक ये होता है खोद खाद के बना दिया जाता है वही बना हुआ है, और इसी से यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका पानी यहाँ से गुजरता है। तो ये बहुत दुख भरी बात है, और थोड़ी सी बारिश होने पर यहाँ जल जमाव की समस्या इतना हो जाता है। जो भी गाड़ी से आने वाले वाहन जो भी जाती है यहाँ से गुजरती है तो वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो भी गिर जाते होंगे। तो कम से कम इस बात को गौर करें निगम में जो भी हैं, जो भी आते हैं जीत करके, सबसे पहला मुद्दा यह है कि नाला की समस्या को दूर किया जाए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, रोड हो या नाला हो या गरीब गुरबा का मुद्दा हो। तो फिलहाल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं। सलाम आदाब, मैं अब्दुल समद VOS24 न्यूज़ से अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी भवाड़ा वार्ड नंबर 32 में, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि रोड हो, नाला हो, गरीब गुरबा का मुद्दा हो, मैं हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा उठाई जाती है और उस मुद्दे को टटोलते हैं हम और उसके तह तक जाते हैं। ज़्यादातर देखते होंगे हमारे चैनल पर ज़्यादा गरीब गुरबा का मुद्दा होता है, नाला का मुद्दा होता है, रोड का मुद्दा है। आज का जो मुद्दा है ये नाला का मुद्दा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाला की स्थिति कैसी बनी हुई है, हमेशा जल जमाव लगा हुआ रहता है और यहाँ के जो निवासी हैं उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं कि नाला की स्थिति क्या है। नगर परिषद था, नगर निगम बन चुका है, लेकिन चुनाव का देखते हैं सर, गर्मी पे है चुनाव, जो भी प्रत्याशी है वादा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अब तो आने वाला चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। कोई भी कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो मेयर पद के हो, चाहे वो डिप्टी मेयर पद के हो, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, देखते हैं कि जो भी आते हैं क्या मधुबनी की जो भी समस्या है, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे नाला की समस्या हो, चाहे गरीब गुरबा की समस्या हो, क्या वो दूर हो पाती है या नहीं हो पाती है। मैं मोहम्मद चांद अंसारी। कौन सा वार्ड हो गया ये? 32 वार्ड है। क्या समस्या है यहाँ? जो है हमेशा जल जमाव रहता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी लग जाता है। यहाँ पे नमाजियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड भी बहुत नीचे है और नाला बना ही हुआ नहीं है। आज तक यहाँ नाला नहीं बना। बहुत सारा नेता आया, झूठे झूठे वादे करते हैं कि हम कर देंगे, रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, आज तक नहीं बनता है। नाला के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को चलने उलने का इतना दिक्कत होता है, एक तो विकलांग हैं, दूसरी बात हम लोगों का नाला आवाज तक नहीं बना है, नहीं कोई चीज इंद्रावास मिला है, मिल करके भी उड़ा गया है बाकी, और सब ठगपनी आता है करने के लिए, ठगपनी कर करके चले जाता है, और नाला का तो आप बनेगा तब बनेगा, बनने के लिए तैयार नहीं होता है, नहीं बनता है। मोहम्मद बशीर मेरा नाम है। हाँ, तो हम लोग का जो है ना यहाँ नाला का और रोड का बहुत समस्या है। नाला जैसे हल्का भी बारिश आता था, जैसे नेपाल पानी छोड़ देता है, उसी तरीके से हमारे मोहल्ले में पानी आ जाता। तो हम लोग जो भी आया है अभी तक सब जो है ना वादा करके गया है, उस पर पूरा नहीं कर रहा है।